नुक्कड़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। पदमपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम हरवानी ने बताया कि पदमपुर में सिंधुपति महाराजा दाहरसेन का 1308वां बलिदान दिवस झूलेलाल मंदिर में भारतीय सिंधु सभा पूज्य पंचायत व भानुशाली समाज के संयुक्त तत्वावधान में सादगी पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। सभा के संभाग प्रभारी घनश्याम हरवानी ने दाहरसेन के गौरवमय इतिहास से युवा पीढ़ी को रूबरू कराते हुए बताया कि भारत की भूमि पर होने वाले आक्रमणों को सिंध ने हमेशा अपनी छाती पर झेला है। जितने भी विदेशी हमले हुए थे, भारतीय सीमाओं के अंतिम प्रहरी सिंध सम्राट दाहरसेन का बलिदान हम सब के लिए गर्व की बात है। अध्यक्ष लालचंद बादलानी व तुलसी हंजवानी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते दाहरसेन के संपूर्ण जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता हाल ही में भारतीय सिंधु सभा प्रदेश व अन्य संस्थाओं के सहयोग से करवाकर युवा पीढ़ी को इतिहास से परिचित करवाया, ताकि युवा वर्ग अपनी संस्कृति व सनातन धर्म से सदैव प्रेरित रहे। इस मौके पर दौलत सोनी, लालू मस्ताना, सतीश परवानी, चेतन ठाकुर, टेकचंद रतड़ा, कानमल रतड़ा, पंद्रह बीबी, हेमंत ठाकुर, भगवान दास गजरा, जेठाराम गंगवानी, दीपू डबरा, हरीश डामा, राजू गजरा, राहुल परवानी, पूर्णचंद सोनी, तुलसी परवानी, सुमार मल हंजवानी सहित समाज के प्रमुख लोगों ने दाहरसेन को पुष्पांजलि अर्पित कर झूलेलाल के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। वहीं पदमपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने देशव्यापी आह्वान पर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इससे पूर्व माकपा कार्यकर्ता बिश्नोई धर्मशाला में एकत्र हुए, जहां वरिष्ठ नेता कामरेड गुरचरण सिंह मोर ने लॉकडाउन के चलते गरीब, किसान, मजदूर व छोटे दुकानदारों की मुश्किलें लगातार बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी में आई परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है, लेकिन दोनों सरकारें इस पर पूरी तरह से फेल हुई हैं। माकपा नेता रविंद्र तरखान ने कहा कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जो कि देश की जनता के साथ स्पष्ट लूट व बड़ा धोखा है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना एक तरफ लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है, तो वहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस आपदा को लूट का अवसर बना दिया है। किसान नेता महिमा सिंह, नक्षत्र सिंह भुट्टर, सोहन महिया, श्रमिक नेता हंसराज खुड़िया, रूप राम, राजेंद्र राजी, लखविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, बिट्टू सिंह, लक्की नायक आदि शामिल रहे। मांग रखी गई कि हवाई अड्डे, रेलवे, खनिज संपदा आदि के निजीकरण पर अंकुश लगे, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को हटाने, राष्ट्रीय संपदाओं की लूट बंद करने, लॉकडाउन के चलते आयकर सीमा में नहीं आने वाले प्रत्येक परिवार को 7,500 रूपए प्रति माह राहत देने, शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों को बिना शर्त मनरेगा में काम देने, नए अवसर तलाश कर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, देश के गोदामों में सड़ रहे अनाज को बिना शर्त वे बिना कार्ड की बाध्यता के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलोग्राम निशुल्क वितरण करने, श्रम कानूनों में संशोधन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कृषि अध्यादेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन व कृषक उत्पाद व्यापार व वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने आदि मांगे शामिल रही। केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की पिछले 7 दिन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है। वहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पिछले 3 महीने में 21 रूपए डीजल प्रति लीटर बढ़ाने का काम किया गया है। पेट्रोल पदार्थों के दामों पर अंकुश लगाया जाए व वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के दामों के आधार पर डीजल पेट्रोल के दाम तय किए जाए। मनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, सारे अधिकारों को खत्म करके मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की जो कोशिश की है, हम उसके खिलाफ, हम चाहते हैं कि मजदूर कानूनों में संशोधन जो है वो वापस लिए जाए। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित नया जो कृषि अध्यादेश मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, वो किसी अध्यादेश इस तरीके से खतरनाक है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन मार्केट का मतलब कि वो चाहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी, आप पूरे देश के अंदर कहीं भी अपनी फसल बेच सको। हमारा ये कहना है कि भींज वायला का आदमी पदमपुर में मंडी में अपनी कनक नहीं लेके आता, अपना अनाज नहीं लेके आता। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर मांग पत्र लेके आए सरकार ते जड़ी गल सुनगी। सब तो पहली गल है लोगों के अंदर इस गल लैके जाना। अगर वड्डे पद्धर से लोगों अंदर यह गल जाती है तो लोगों इस गल की समझ आती है कि सरकार ने किस तरीके दी नीतियां के साडे नाल लुट मचा रखी है या आने वाले वक्त मचाने वाली है, तो लोग उदा खड़े होकर मुकाबला करेंगे। इस करके जिते असी सरकार को मंग पत्र देना, असी लोगों के अंदर या आम पिंड इस गलू लैके जाना। और मैं उम्मीद करता कि असी हौली हौली करके इस गलू अपने पूरे इलाके अंदर लोगों से ले जाके सरकार दी नीतियां लोगों के सामने नंगे करेंगे। तुम सारे लोग जगह नहीं कोई तेल पाउण कितने, क्योंकि तेल का लेवाल कोई है नहीं, तेल का कोई लैण खरीदार ही नहीं सी। इस करके कहा तुम तेल लै जाओ, पैसे भी सातों ले जाओ, पैसा भी ना दो। ये हालात दुनिया पहली दफा होए हैं। इन्होंने हालातों से भी
हिंदुस्तान इसे मोदी सरकार ने तय किया कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार तेल घटते रेट घट जाएंगे उदो हिंदुस्तान भी घट जाएंगे तो जो अंतरराष्ट्रीय बाजार तेल के रेट बढ़ जाएंगे तो हिंदुस्तान भी बढ़ जाएंगे। पर उस कानून ने एक दिन भी हिंदुस्तान लागू नहीं होने दिता किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार तेल के रेट घटते हैं ये टैक्स वाधा करते हैं टैक्सा बढ़ा के तेल के रेट वधाई तुर जाते हैं। इस करके अज के दिन जेड़े तेल हिंदुस्तान के अंदर 30-32 रुपये के रेट के टैक्स 100% टैक्स लग के भी इस रेट के हिसाब से होने चाहिए सी वो अज सू 75 रुपये के उत्ते जाके मिल रहे हैं। ये जी लुट मचाई हुई है ये लुट केवल उन्होंने लोगों की है ये साढ़े जिमें साढ़े सिर पर साड़ी जुतियाँ है। अज भी जड़िया हवाई जहाजा दंपनी है तुम अचंभित हो गए दुनिया का सब तो वधिया तेल पेट्रोल जो सब तो वधिया पेट्रोल है वह हवाई जहाजा च पैदा है तो हवाई जहाज पै रहा तेल का रेट पता की है 22 रुपये लीटर। जे 22 रुपये लीटर हवाई जहाज पाने वास्ते तेल बेचा जा सकता है तो ट्रैक्टर के पाने वास्ते किसी मोटरसाइकिल पाने वास्ते 22 रुपये क्यों नहीं बेचा जा सकता 22 रुपये तो हवाई जहाज भी दिता जा सकता है तो किसी मोटरसाइकिल वाले भी किसी ट्रैक्टर वाले भी दिता जा सकता है। पर क्यों क्योंकि यह हुकूमत आम लोगों की हुकूमत नहीं आम लोगों की नहीं बाजार की लोगों की नहीं हिंदुस्तान के पिंडा के कस्बे की नहीं ये सिर्फ बड़िया बड़िया कंपनियों की हुकूमत है। इस करके हर फैसिलिटी हर सुविधा उन्होंने मुहैया की जा रही है। इस करके असं यदा विरोध कर रहे हैं अभी चाहते हैं कि जो महंगाई से लत पानी है जो महंगाई को रोकना है तो बिना